4 जून के बाद पीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। हमारे मतुआ समाज, नाम शूद्र समाज को उसके अधिकार मिलकर के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा। लोग भी समझ चुके हैं, ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। हमने यहां 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाई है। हम कोलकाता पोर्ट के कंजक्शन को भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को बंगाल में मजबूत करिए, आपकी हर अपेक्षा बीजेपी ही पूरा करेगी। साथियों, इस बार आपका एक वोट देश की राजनीतिक दिशा भी बदलने का काम करेगा। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। साथियों, टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी पूरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं, बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, ये तो होते देवोना, एक ही हथियार, ये तो होते देवोना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवोना, एटा एटा, जरा जोर से बोलिए एटा। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए
हेल्पलाइन बनाई। टीएमसी कहती है एटा एटा होते देवो ना, एटा होते देवो ना। हम देश के हर महिला को उज्ज्वला सिलेंडर दे रहे हैं। बंगाल सरकार लाखों एप्लीकेशन लटकाए हुए हैं। टीएमसी का कहना है एटा एटा होते देवो ना, एटा होते देवो ना।